हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो अर्की। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ फेसबुक की टिप्स और ट्रिक्स जो आपको पता होने चाहिए। और आप ऊपर देख सकते हो कार्ड में, मैंने कल ही अपलोड किया था व्हाट्सएप की टिप्स और ट्रिक्स, तो आप उसको भी देख सकते हो। सो बने रहना मेरे वीडियो के साथ और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना, तो आपको ये ट्रिक्स समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और बने रहना मेरे साथ हमेशा। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फेसबुक को ओपन करना होगा। और आप देख सकते हो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि फेसबुक जो है बहुत ज़्यादा आपकी बैटरी ड्रेनेज करता है, मतलब कि आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा खा लेता है और फ़ोन हीट होने लगता है। तो फेसबुक लाइट से भी अच्छा मैं आपको एक ऐप बताऊंगा और उसे आप इंस्टॉल कर लेना गूगल प्ले से। मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा जिसका नाम है स्वाइप, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आप इसे ओपन कर लेना और रजिस्टर कर लेना अपनी फेसबुक आईडी से। और मैंने ऑब्जर्व किया दोस्तों कि फेसबुक लाइट से भी अच्छा ये ऐप है और फ़ोन आपको बहुत कम हीट होगा इस ऐप को चलाने से, मींस कम लोड आपके फ़ोन पे पड़ेगा इस ऐप से। तो आप अगर चाहते हो कि आपका बैटरी ड्रेनेज ना हो और हीट ना प्रोड्यूस आपके फ़ोन में, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और नीचे मैंने लिंक भी दे रखी है इस ऐप की। हम नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं दोस्तों। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि आप अपनी वॉच पार्टी भी क्रिएट कर सकते हो फेसबुक पे। जी हाँ दोस्तों, बट अगर आप किसी के मेंबर हो, मीन्स किसी ग्रुप के मेंबर हो आप, तो आप उसमें ईजिली क्रिएट कर सकते हो और ऑडियंस को कलेक्ट कर सकते हो कि आप शो की तरह एक क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने एक ग्रुप खोला और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेंबर होंगे, अराउंड 1.2 मिलियन मेंबर्स हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी वॉच पार्टी क्रिएट करनी है, मींस आप चाहते हैं कि लोग आपके फेवरेट वीडियोस देखें, तो आप क्या करना कि यहाँ देख सकते हो आप राइट समथिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना। और आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों वॉच पार्टी करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आप अपने जो भी फेवरेट वीडियोस होंगे यहाँ पे क्लिक कर लेना। और आपने अगर कोई वीडियो सेव करके रखे हों तो आप उसे ईजिली सेलेक्ट कर लेना यहाँ से, कोई भी वीडियोस आप ऐड टू क्यू कर लेना और दो तीन वीडियोस आप ऐड कर लेना, फिर यहाँ से ऊपर से डन करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड वीडियोस हो गए, आप कुछ भी कैप्शन डाल सकते हो। और जब आप यहाँ से पोस्ट करोगे तो आपका दिखाएगा कि यू आर होस्टिंग अ वॉच पार्टी, तो ऑडियंस को ऑलरेडी नोटिफिकेशन चली जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। तो आप ऐसे ऑडियंस को इकट्ठा कर सकते हो कि आप वो आपकी वीडियोज़ देखें। तो ये भी फेसबुक ने अभी हाल ही में शुरू किया है। नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन करके रखी है, और अगर आप चाहते हो कि आपके यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल या ट्विटर चैनल या इंस्टाग्राम चैनल लोगों तक दिखाई दे डायरेक्टली, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल को लिंक कर रखा है और ट्विटर चैनल को लिंक कर रखा है। अगर आप ऐसे चाहते हो कि कोई आपके चैनल को डायरेक्टली विजिट कर ले, तो आप करना क्या कि आप ऊपर देख सकते हो एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करना, नीचे जाना और ऑप्शन आएगा लिंक्स करके, तो आप इस पर एडिट पे क्लिक करना। आप देख सकते हो सोशल लिंक्स में मैंने यूट्यूब के राइट हैंड साइड पे अपने चैनल का नाम लिखा है और ट्विटर के राइट हैंड साइड पे अपने चैनल का नाम लिखा है, तो आप उसे डायरेक्टली डाल के यहाँ पे सेव कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी आप डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो और डायरेक्टली यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो जो भी आपके चैनल को विजिट करेगा वो डायरेक्टली आपके चैनल को ऊपर से देख लेगा और वो उस पर क्लिक करके आपके यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकता है डायरेक्टली। एक और फेसबुक ने फीचर शुरू किया दोस्तों, यहाँ पे जो टॉप वीडियोस हैं आप उसे इजीली देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, जो आपको वीडियो जो भी पसंद हो तो आप इसे इजीली देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब दोस्तों मैं आपको एक और फीचर बता दूँ कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी पोस्ट हो या वीडियो आप अगर उसे सेव करना चाहते हो हमेशा के लिए, तो आप करना क्या कि पोस्ट के राइट हैंड साइड पर देख सकते हो थ्री डॉट्स हैं, उस पर क्लिक करना और यहाँ पर ऊपर सबसे पहले आएगा सेव पोस्ट, तो आप उसे सेव कर लेना ऐसे, तो यहाँ पर आ जाएगा सेव। अब यहाँ पे ऊपर थ्री बार्स आप देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करना, तो अब नीचे जाना दोस्तों, यहाँ पे सेव्ड का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हो उस पर क्लिक करना। तो आपने जो भी पोस्ट सेव कर, देखिए मैंने सेव कर रखी थी, तो यहाँ पे डायरेक्टली दिखाने लगा। तो आप ऐसे फ़ोटोज़ या कोई भी वीडियोज़ आप सेव कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आप यहाँ से, जैसे मैंने ओपन किया था यहाँ पे पोस्ट, अगर आपको कोई हाइड करनी है तो यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हो क्लिक करके। अगर उस मेंबर का पूरा पोस्ट आप हाइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप अनफॉलो करना चाहते हो तो क्लिक कर सकते हो। फीडबैक भी देना चाहते हो तो आप क्लिक कर सकते हो।
और दोस्तों एक और खास बात बता दूं कि फेसबुक ने एक और चीज़ शुरू की है, आप देख सकते हैं आपके ऊपर आ रहा है राइट समथिंग हेयर, तो आप इस पर क्लिक करना, तो आप नीचे जब जाओगे, आप नीचे जाओगे तो देख सकते हो एक 360 डिग्री फ़ोटो है। आप क्या हो कि अगर आप 360 डिग्री में फ़ोटो लेना चाहते हो तो आप इजीली वो ले सकते हो और पोस्ट कर सकते हो। और एक और ख़ास ऑप्शन मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो आस्क फॉर रिकमेंडेशंस है, तो आप इस पर क्लिक करना। अगर आप कोई परफेक्ट रेस्टोरेंट चाहते हो या कोई हॉस्पिटल पता करना चाहते हो अपने एरिया में, तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो लिखा है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉर दिस हॉस्पिटल इन दिस एरिया, तो और यहाँ पे ऐड अ लोकेशन कर देना। तो वो क्या होगा कि फेसबुक अपने आप ट्रेस करेगा आपको, और जो लोग आपको रिकमेंड करना चाहते होंगे वो आपको रिकमेंड कर देंगे कि ये बेस्ट हॉस्पिटल है इस एरिया का। तो ये भी शुरू हुआ दोस्तों। अब दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका कोई पोस्ट हो वो किसी टाइम पे शेड्यूल हो और वो ऑटोमेटिक अपने आप पोस्ट हो जाए, जी हाँ दोस्तों ऑटोमेटिक अपने आप वो पोस्ट हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हो, बट आप इस फेसबुक पे नहीं कर सकते हो। मैं आपको एक ऐप बताऊंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देता हूँ, उस ऐप का नाम है बफर ऐप, जी हाँ दोस्तों आप उसे ओपन करना है इंस्टॉल करके गूगल प्ले से, लिंक मैंने नीचे दे रखी है। और यहाँ पे आप दे रहा देख सकते हो कनेक्ट योर फर्स्ट प्रोफाइल फेसबुक से, आप अपने लिंक कर लेना। तो जैसे ही दोस्तों आप ओपन करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो अभी मैंने कोई पोस्ट नहीं किया तो लिखा है योर बफर इज एम्प्टी, तो क्या करना आप कि इस पेंसिल पे क्लिक करना और जो भी आपको पोस्ट कुछ भी लिखना हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा हाय, और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी सी वॉच बनी हुई आ रही है, तो आप इस पर क्लिक करना और आप अपने हिसाब से कोई भी डेट मेंशन कर देना, जैसे मैं कल की डेट मेंशन कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट का और टाइम अपने हिसाब से सेट कर लेना, ओके करना, तो ये शेड्यूल हो गया दोस्तों आपका। अब जब आप बफर पे क्लिक करोगे, देखिए आपका बफर ऑलरेडी क्रिएट हो गया, देखिए हाय ऑप्शन करके आ रहा है आपको। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आप अगर चाहो तो अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो, और अगर आप नेट ऑफ़ भी कर दोगे वो ऑटोमेटिकली आपका पोस्ट हो जाएगा। तो ये भी ऐप मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, तो आप लोग अगर चाहते हो तो डाउनलोड कर लेना नीचे मेरे लिंक से। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट फीचर बताता हूँ आपको। कभी कभी आता है दोस्तों कि आप अपने दोस्तों के मोबाइल में फेसबुक लॉगिन करके लॉगआउट करना भूल जाते हो, तो उसका भी एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों कि आप ऑटोमेटिक कैसे लॉगआउट कर सकते हो उनके डिवाइसेस से। आप देख सकते हो आप जब यहाँ 3 बार्स पे क्लिक करोगे तो एक नीचे ऑप्शन आएगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, जब आप सेटिंग्स और प्राइवेसी पे क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करना, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन आप देख सकते हो, तो आप सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों सेकंड ऑप्शन वेयर यू आर लॉग्ड इन, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, तो पूरी डेटा आपको बता देगा। अगर आप चाहते हो कि आपका डिवाइस उनके लॉगिन से ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन आ रहा है लॉग आउट ऑफ ऑल सेशंस, तो आप इस पर क्लिक करना और आपका उन डिवाइसेस से फेसबुक आईडी ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे 3 बार्स पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे आप नीचे जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है दोस्तों लोकल करके, तो आप इस पर क्लिक करना। तो जनरली दोस्तों होता क्या है कि आप किसी नए जगह पे जाते हो तो आपको पता नहीं रहता है कि यहाँ पे कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट होगा, कौन सा अच्छा बार होगा या कुछ भी होगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो ईट एंड ड्रिंक का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली आपके GPS से ट्रैक कर लेगा कि आपके अगल बगल कौन से फेमस रेस्टोरेंट्स हैं या कुछ भी है, तो आप इससे ईजिली ट्रेस कर सकते हो कि आपका कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है आसपास अपने। एक और फीचर बताता हूँ दोस्तों आपको कि आप सेटिंग्स और प्राइवेसी में जब जाओगे तो आप सेटिंग्स पे क्लिक करना, आप नीचे जाना, एक ऑप्शन आएगा आपका प्राइवेसी और उसके अंडर में एक ऑप्शन आएगा टाइमलाइन एंड टैगिंग। जनरली दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी आपके दोस्त अननेसेसरली कभी आपके टाइमलाइन पे टैग कर लेते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि कोई भी मैसेजेस आपके टाइमलाइन पे भेजते रहते हैं, तो आप उसे अगर बंद करना चाहते हो तो इस पर टाइमलाइन और टैगिंग पे क्लिक करना। तो आप ऊपर देख सकते हो ऑप्शन आ रहा है हु कैन पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, आप उस पर क्लिक करना, आप यहाँ पे ओनली मी का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना। अगर आप ऐसा चाहते हो कि कोई डिस्टर्ब ना करे आपके टाइमलाइन को, तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट फीचर दोस्तों आपको बता दूँ कि इसी में जब आप जाओगे 3 बार्स क्लिक करके नीचे, तो एक ऑप्शन आएगा डेटा सेवर, तो आप इस पर क्लिक करना दोस्तों। कभी कभी होता क्या है कि आपके जो डेटा होते हैं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो आप फेसबुक यूज़ नहीं कर पाते हो, तो आप इस मोड को ऑन कर सकते हो दोस्तों।
तो आप देख सकते हो दोस्तों ऊपर यहाँ पे लिख रहा है कि टर्निंग दिस ऑन विल रिड्यूस इमेज साइज एंड स्टॉप वीडियोस फ्रॉम प्लेइंग ऑटोमेटिकली टू हेल्प यूज लेस डेटा। यानी कि दोस्तों जब आप ये मोड ऑन कर लोगे तो जो इमेज साइज होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और जो वीडियोस ऑटोमेटिकली प्ले होते हैं आपके टाइमलाइन पे वो प्ले होना बंद हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा डेटा आपके सेव हो जाएंगे। तो आप ये मोड भी ऑन कर सकते हो दोस्तों अगर आपको डेटा सेव करना है। एक और ख़ास बात बता दूँ दोस्तों कि जब आप यहीं पे मतलब कि 3 बार्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फेसबुक ने क्या शुरू किया दोस्तों, मार्केट प्लेस नाम का ये फीचर शुरू किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट प्लेस है, इस पर क्लिक करना। तो जनरली दोस्तों क्या होता है कि कोई चीज़ अगर आपको ख़रीदनी है, फर्स्ट हैंड ख़रीदनी है या सेकेंड हैंड ख़रीदनी है, तो कुछ भी आप ख़रीद सकते हो यहाँ फेसबुक से। जी हाँ दोस्तों, मार्केट प्लेस से आप अगर आपको कुछ भी ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हो, इवन कपड़े, मोबाइल, व्हीकल्स, जो भी आपको ख़रीदना है आप ख़रीद सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे वो लिस्टेड है ऑटोमेटिकली, कुछ भी ख़रीद सकते हो आप यहाँ से। आप उस पर क्लिक करना तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे प्राइस मेंशन है, और अगर आपको ख़रीदना है तो यहाँ पे आस्क फॉर डिटेल्स पे आप क्लिक कर सकते हो और ओनर से आप बात कर सकते हो। और यहाँ पे फेसबुक ने दोस्तों बहुत ही अच्छा फीचर ही शुरू किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि फेसबुक ने कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो थोड़े बहुत हाइड करके रखे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 बार्स है, उस पर क्लिक करना। आप नीचे जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सी मोर करके, आप उस पर क्लिक करना। आप देख सकते हो वहाँ पे एक ब्लड डोनेशंस का ऑप्शन है, सिटी गाइड्स का ऑप्शन है, क्राइसिस रिस्पांस का ऑप्शन है, और फ्रंट रेजर्स का ऑप्शन है, फाइंड वाईफाई का ऑप्शन है। और आप जब नीचे जाओगे दोस्तों तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक मोबाइल रिचार्ज का भी ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक ने इस फीचर को लॉन्च किया है। आप देख सकते हो आप डायरेक्टली फेसबुक से भी अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हो, रिचार्ज योर प्रीपेड मोबाइल ऑन फेसबुक। आप अपने वीज़ा से या मास्टर कार्ड से रिचार्ज कर सकते हैं यहाँ पे। अब एक और ऑप्शन बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक ऊपर सिटी गाइड्स करके आ रहा है, आप इस पर क्लिक करना। और फेसबुक आपको दोस्तों अगर किसी जगह पे आप जाना चाहते हो या अगर किसी सिटी के बारे में आप अगर जानना चाहते हो तो यहाँ फेसबुक ये फीचर लॉन्च किया है कि आप उस सिटी की फेमस बातें जान सकते हो, क्या क्या अच्छी चीज़ें और अच्छी जगह हैं उस सिटी के। डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हो किसी उस पर और वो एज अ गाइड आपको बताएगा कि वहाँ पे क्या चीज़ें अच्छी हैं। तो आप जिस जगह पे विज़िट करना चाहते हो तो आप एज अ सिटी गाइड इसे यूज़ कर सकते हो।